हे फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में देखा होगा एक नया बिजनेस आइडिया आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप पेट्रोल पंप खोलने इच्छुक हैं तो मैं कंपनी का नाम आपको बता रहा हूं, जिसमें आपको फ्रेंड्स ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आपके पास जमीन की रिक्वायरमेंट है और अपना इन्वेस्टमेंट लगाना है। इन्वेस्टमेंट 20 से 25 लाख लगेगा और आपका पेट्रोल पंप खोलने का सपना पूरा हो जाएगा। आपको पता होगा पेट्रोल पंप एक ऐसा सेक्टर है और एक ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगी। पेट्रोल पंप डीजल सीएनजी दिन बाय दिन इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और लोग बाइक कार वगैरह खरीदते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कितना अच्छा बिजनेस आइडिया, और आपने दोस्तों टीवी में लोगों से सुना ही होगा पेट्रोल पंप एक हाईली प्रॉफिट मार्जिन वाला एक बिजनेस है। आपको 20 से 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना होगा। और हाँ फ्रेंड्स, मेन जो बात है, आपकी जो ज़मीन है वो किसी मेन रोड पर होनी चाहिए। अगर आप हाईवे पर खोल रहे हैं तो 1200 स्क्वायर मीटर ज़मीन होनी चाहिए, और अगर आप किसी सिटी में खोल रहे हैं या फिर किसी नॉन हाईवे एरिया में खोल रहे हैं तो आपके पास मिनिमम 800 स्क्वायर फीट ज़मीन होनी चाहिए मात्र। इस कंपनी को आपकी ज़मीन की ज़रूरत है और आपके पैसे की ज़रूरत है। आपको कोई टेंडर नहीं डालना, कोई गवर्नमेंट स्कीम का वेट नहीं करना, कोई किसी से कुछ नहीं करना। फ्रेंड्स, कंपनी का नाम है एजर, जी हाँ, EESER। इसके पेट्रोल पंप आप लोगों ने कई देखी जगह देखोगे, इंडिया में 28 स्टेट्स में ये वर्किंग कर रही है। आप किसी भी स्टेट में इसके लिए फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। आप मुझे कमेंट में नीचे करके बताएं फ्रेंड्स कि आप मतलब कौन से सिटी से हैं, ताकि मैं बता सकूं कि कहां से आप मतलब आपके एलिजिबल हैं नहीं है। जैसे यूपी में दोस्तों, यूपी में आप कानपुर से, तो आप मुझे इस टाइप का यूपी कानपुर। जैसे आप एमपी से तो एमपी उज्जैन, तो इस टाइप की आप कमेंट करके बताएं तो मैं बताता हूं फ्रेंड्स आप एलिजिबल हैं या नहीं है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको लेके चलता हूं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, दिखाता हूं कि आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया, आप जान सकते हैं पेट्रोल पंप से हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस बहुत ही कम है। तो चलिए लेके चलता हूं, डेस्कटॉप पर दिखाता हूं। मगर आप ये मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें फ्रेंड्स, हो सकता है ये वीडियो आपके काम ना आए, पर किसी फ्रेंड से काम जरूर आए। हो सकता है उसके पास जमीन हो और पैसा हो और वो पेट्रोल पंप स्टार्ट करना चाह रहा हो, मगर वो वेट कर रहा हो गवर्नमेंट स्कीम में आने का। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक का बटन दबा के हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, धन्यवाद। लेके चलता हूँ डेस्कटॉप स्क्रीन। पेट्रोल पंप लेने के लिए सिंपली हमारे पहले गूगल पर आना होगा। गूगल पर आपको टाइप करना होगा SF पेट्रोल पंप, पंप रिटेलर अप्लाई, रिटेलर अप्लाई। तो जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे कुछ दिखा देगा अप्लाई ऑनलाइन 2020, तो हमने कुछ भी क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो एजर पेट्रोल पंप है वो है नारायणा एनर्जी का, और एजर एक सिर्फ और सिर्फ ब्रांड है। तो हमने इसको क्लिक कर लिया अप्लाई ऑनलाइन पे। फ्रेंचाइजी एलिजिबिलिटी इसको नेक्स्ट कॉलम में है, तो मैं आपको दोनों चीज़ दिखा दे रहा हूँ आपको। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पास मतलब ज़्यादा कुछ वो प्रॉब्लम नहीं होगी। देख सकते हैं ये आप कॉजन दे रहे हैं, दिस इज नोटिफाइड जनरल पब्लिक डेट अन स्क्रिप्टल एलिमेंट्स पोस्टिंग थिमसेल्स एज एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव एजेंट एट नारायणा एनर्जी लिमिटेड। ये दोस्तों साफ साफ ये कह रहे हैं कि नारायणा एनर्जी लिमिटेड के एम्प्लॉयज या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स कई लोग ठगी कर रहे हैं आप लोगों से, और फेक लेटर्स या फिर टेलीफोन के जरिए आप लोगों से पैसे ले रहे हैं और आप लोगों को लूटा जा रहा है। तो दोस्तों, उनके बहकावे में ना जाएं। अगर आपको अप्लाई करना है तो सिंपली आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट इनकी narayanaenergy.com पर आकर के ही फॉर्म फिल करें, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये ठगी की जा रही है, बहुत सारे लोगों के थ्रू पैसा लिया जा रहा है। देख सकते हैं आप, इसे पढ़ सकते हैं। चलिए मैं इसकी एलिजिबिलिटी बताता हूँ। एलिजिबिलिटी इनकी जो क्राइटेरिया है दोस्तों, बहुत सिंपल है। नारायण एनर्जी हैज एक्सट्रीमली ट्रांसपेरेंट सीमलेस एंड क्विक एनरोलमेंट एंड कमीशनिंग प्रोसेस। अनलाइक अदर फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, वी डू नॉट हैव टेंडर एंड लीड सिलेक्शन प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, इनके पास और किसी कंपनी होता है टेंडर एंड लेट सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है, अगर आपके पास जमीन है, आपके पास पैसा है, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इफ योर लैंड मीट्स आवर रिक्वायरमेंट,
वी इशू ए लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इन योर नेम विद इन ए मंथ। अगर आपकी लैंड इनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, जी हाँ जहाँ आपकी लैंड वहाँ है जहाँ होनी चाहिए, मेन रोड या हाईवे पे जहाँ पर पेट्रोल की डिमांड हो सके। ऐसा नहीं आपने पेट्रोल का पंप खोल लिया और वहाँ पे डिमांड नहीं है, वहाँ पे डिमांड होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है पेट्रोल की, तो ये आपको एक ही मंथ में लेटर इशू कर देंगे। वी कैन देन प्रोसीड विद अदर फॉर्मेलिटीज एंड क्लियरेंस रिक्वायर्ड फॉर कमिश्निंग द रिटेल आउटलेट। जी हाँ, एक मंथ में आपको प्रोवाइड कराने के बाद आगे के प्रोसेस के लिए, फॉर्मेलिटीज के लिए आप क्लियरेंस दे देंगे, क्योंकि आगे आपको दोस्तों बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं, फायर की गवर्नमेंट से बहुत सारे अप्रूवल्स वगैरह लेने पड़ते हैं, उसके लिए आप एक महीने बाद अप्लाई कर सकते हैं। वी वुड लव टू हेयर विद यू, यू हैव ए क्लियर लिटिल ऑफ ए लैंड आइडली इन द सेम ऑफ द फ्रेंचाइजी। आपके पास ये लैंड होने जरूरी है, योर लैंड इज रोड टचिंग, आपका बिल्कुल लेवल्ड एंड डेवलप्ड लैंड होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है इनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। इट इज मोर देन 800 स्क्वायर मीटर इन टाउन एरिया, मोर देन 1200 स्क्वायर मीटर इन ऑन ए हाईवे, आपकी रोड होने जरूरी है। Here's how you can apply. आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, अप्लाई कर सकते हैं ऑफलाइन, तो मैं आपको दोनों चीज दिखाता हूँ। आप ये हिंदी में हम एक फॉर्म डाउनलोड करने के लिए लगा देते हैं, तब तक हम अप्लाई टू ऑनलाइन पे आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा फॉर्म आपका ओपन होके आएगा, ये दोबारा इन्होंने वार्निंग दे दी है कि ये कुछ अपनी तरफ से नहीं करते, तो हमें इस फॉर्म को अपने आप भरना होगा। सपोज आई एम फिलिंग दिस फॉर्म एज द आपका अपना यहाँ पे सिंपली नेम भरना होगा, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, सेलेक्ट स्टेट, किस स्टेट के लिए। आप स्टेट इसमें थोड़ा देखने लायक है, इसमें दिल्ली नहीं है, दिल्ली को छोड़ कोई भी स्टेट है, बिहार, असम, दादर, छत्तीसगढ़, केरला, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, ये सब कुछ दिया हुआ है इसमें। आप किसी भी राज्य के लिए इसे चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, जैसे उड़ीसा का कोई डिस्ट्रिक्ट है, सपोज कीजिए कटक, आपको इसका आंसर देना है और सिंपली सबमिट पे चले जाना है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन बिजनेस आइडिया है, जिसको करके आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, देख सकते हैं, इनका टोल फ्री नंबर है। अब हम आते हैं ऑफलाइन पे, आपको ऑफलाइन में या ऑनलाइन रिटेल इंक्वायरी है, ऑफलाइन में दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, राज्य, जिला, कैटेगरी, ये सब फिल करना होगा इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद। और इसमें आवेदक का नाम, जिला, पिन कोड, राज्य, पत्र व्यवहार के लिए, संपर्क नंबर, निवास स्थान, ये सब कुछ अपना डाउनलोड करना होगा।